हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों क्लास फर्स्ट में सब्जेक्ट इंग्लिश आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर फोर, स्कूल इज फन। चैप्टर नंबर फोर है आपका। स्कूल इज फन, फन मीन्स बेटा आपका होता है आनंद या मजा कर सकते हैं, ठीक है। यानी स्कूल जो है आपका कैसा है, मजेदार है, ठीक है, आनंददायक, ठीक है। स्कूल इज फन ये आपका चैप्टर नेम है। और आज जो आपका पेज नंबर ये आपका 20, ठीक है, 20 एंड 21 पेज नंबर पे। सबसे पहले जो है स्कूल इज फन इस चैप्टर का आपका जो है वर्ड मीनिंग देखेंगे, ठीक है बच्चों। इसका वर्ड मीनिंग देखने के पहले दिया का पहला ठीक है, ए एफ आर ए आई डी, ए एफ आर ए आई डी आफ्रेड मीन्स भाई, या ठीक है, अफ्रेड मीन भयभीत या डरा हुआ। काइंडली, के आई एन डी एल वाई, काइंडली मीन होता है आपका दया भाव से, ठीक है, या आप हिंसा पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। विनम्रता पूर्वक या दया भाव से, ठीक है, काइंडली विनम्रता पूर्वक, के आई एन डी एल वाई, काइंडली, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका सून, एस डबल ओ एन, एस डबल ओ एन, सून, सून मीन जल्द ही, जल्द ही, एस डबल ओ एन, सून मीन जल्द ही। वेग, डब्ल्यू ए पी डी एस, W A V E S, wave, wave, ठीक है बच्चों। wave means होता है, यहाँ देखो दे दिया आपका wave कर दिया है moves hand, ठीक है, ऐसे waves means होता है तरंगे, ठीक है। यहाँ पे moves hand दिया है, यानी जब ऐसे करके आप से हाई करते हैं, आप गुड बाय करते हैं, ठीक है, तो अपने हाथों को इस तरह से हिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है मूव सैंड, यानी कि यहाँ पर लहर की तरह, ठीक है, वेव्स मीन्स लिखेंगे आपका लहर। ठीक है, लहर की तरह, ठीक है बच्चों, वेव। फन, या फिर या फन मीन मजा, ठीक है, या फिर या फन मीन मजा या आनंददायक कहते हैं, ठीक है। टुडे,
टुडे मीन्स आज, ठीक है, टी यू डी ए वाई, सॉरी टी ओ डी ए वाई, टुडे मीन्स आज, प्रति आपका चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर ई एन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन बच्चे, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन मीन बच्चे, रेडी आर ए डी वाई, रेडी मीन रेडी मीन तैयार, रेडी मीन तैयार, तैयार तैयार होना, तैयार नहीं, ठीक है, रेडी मीन तैयार होना, ठीक है, रेडी आर ए आर सी ए डी वाई, रेडी, वी आर डब्ल्यू टी ए आर एल, डब्ल्यू टी ए आर एल, वी आर में पहनती है, पहनता है या पहनती है, यहाँ पर लड़की के बारे में बात रहे, इसलिए हम यहाँ जो है पहनती है, वी आर मीन पहनती लिखवाया होता, आप अगर यहाँ पर मेल होता तो यहाँ पर पहनता है, ठीक है, वी आर मीन पहनता है या पहनती है, डब्ल्यू ई ए आर, यस, वी आर, पेरेंट्स पी ए आर ई एन टी एस, पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स मीन माता पिता, पेरेंट्स माता पिता, ठीक है, माता पिता, पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स मीन माता पिता, ठीक है बच्चों, स्वाध्याय गुड बाय, जी डबल ओ डी बी वाई टी, गुड बाय, ठीक है, जी डबल ओ डी बी वाई टी, गुड बाय मीन्स अलविदा, ठीक है, गुड बाय मीन अलविदा, अलविदा, ठीक है, गुड बाय मीन अलविदा, नेक्स्ट होगा आपका क्लासरूम, सी एल ए डबल एस आर डबल ओ एम, सी एल ए डबल एस आर डबल ओ एम, क्लासरूम मीन कक्षा, क्लासरूम मीन कक्षा, सी एल डबल एस आर डबल ओ एम, क्लासरूम, क्लीन, सी एल ई ए एन, सी एल ई ए एन, क्लीन मीन साफ, साफ, ठीक है, साफ सुथरा, क्लीन, साफ, C L E A N, clean. Wall, W A L L. Wall, wall means
वॉल, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, वॉल मीन दीवार, पिक्चर पी आई सी पी यू आर टी, ठीक है, पी आई सी टी यू आर टी, पिक्चर पिक्चर मीन्स चित्र, ठीक है, पिक्चर चित्र, क्लासमेट क्लास मेट, सी एल ए डबल एस एम ए टी ई, क्लासमेट मीन सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या कहलाएंगे इनका, क्लासमेट यानी कि सहपाठी। सहपाठी, ठीक है, क्लास में सहपाठी, ठीक है बच्चों। और यहाँ एक मिनिमम लिखेंगे यहाँ पे दिया था वाई W H I T E White W H I T White means सफेद ठीक बेटा White means सफेद तीसरा बेटा यह चैप्टर फोर स्कूल इज फन स्कूल जो है आनंददायक है स्कूल मजेदार है इस चैप्टर का आपने जो है वर्ड मीनिंग लिखा और इसके बाद जो है आप जो है इसके गेट सेट को देखेंगे ठीक है गेट सेट दिया था टिक द थिंग्स यू टेक टू स्कूल यहाँ पे कुछ वस्तुएं दी गई है ठीक है बेटा आपने बुक में देख सकते हैं गेट सेट दिया है टेक द थिंग्स यू टेक टू स्कूल ठीक है ये आपका दिया है चित्र बना हुआ है ये सारे चित्र जो बने हुए हैं आपका इसमें जो आप स्कूल में ले जाते हैं अपने साथ बैग में ठीक है उन चीज़ों को जो है आपको टिक करना है सही तरीके से लगाना है ठीक है बेटा तो इन वस्तुओं का आपको ध्यान से देख लिया होगा इसमें दिया है गेट से टिक द थिंग टिक द थिंग यू टेक टू स्कूल टेक टू स्कूल ठीक है उन वस्तुओं पर सही के निशान लगाना है टिक करना है जिसे आप जो है स्कूल में ले जाते हैं टेक में ले जाना ठीक है क्या बेटा पहला जो आपका फिगर है आप देख सकते हैं पहला फिगर जो आपका क्या है बैग है क्या है बैग का फिगर है आपके बुक में जो है बेटा फिगर दिया हुआ है मैं यहाँ पे उन वस्तुओं का नेम लिख रहा हूँ आप फिगर को जो है अपने स्क्रीन पर आप देख चुके हैं ठीक है इन्हीं जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है वस्तु जो दी गई है उन्हीं का यहाँ पे
नेम लिखा जा रहा है। तो पहला जो आपका फिगर है बैक बना हुआ है बेटा, बैक, और बैक यहाँ पे इसके सामने आपका बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, बैग है। उसके बाद आपका क्या है, कैमरा। जो सेकंड फिगर आपका क्या है वो है बेटा कैमरा, ठीक है बच्चों, कैमरा का है। उसके बाद डॉल, डी ओ डबल एल, डॉल का फिगर है। और उसके बाद जो था बुक, क्या दिया था बुक, बुक का फिगर बना हुआ है। और प्रत्येक फिगर के नीचे जो है बॉक्स दिया हुआ है आप देख सकते हैं, उसको बेटा आपका क्या है नेक्स्ट फिगर जो आपका है लंच बॉक्स, ठीक है, लंच बॉक्स का फिगर है, यानी एम सी एच बी ओ एक्स लंच बॉक्स। उसके बाद बेटा आपका देखिए सूटकेस जो अटैच होता है, सूटकेस जो होता है उसका फिगर बना हुआ है एस यू आई टी सी ए एस, SUITCASE सूटकेस। नेक्स्ट फिगर का यहाँ पर बॉटल का फिगर बना हुआ है, वाटर बॉटल से पानी लेते हैं आप, बॉटल लिखेंगे या वाटर बॉटल लिख सकते हैं क्या, या बॉटल लिखे या फिर वाटर बॉटल भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बॉटल लिखे हैं हम, बॉटल का हो जाएगा फिगर। उसके बाद कलर है, ठीक है, आप देख रहे हैं कलर बॉक्स से आपको बना हुआ और उसमें कलर भरे हुए हैं, यहाँ पे कलर बॉक्स सी ओ एल ओ यू आर कलर बॉक्स। ठीक है, सी ओ एल ओ यू आर बी ओ एक्स कलर बॉक्स, ठीक है बेटा। तो ये आपके यहाँ पर एक एक वस्तुओं के जो है यहाँ पर एक थिंग्स के जो है यहाँ पर चित्र दिए गए हैं पेज नंबर 20 पे गेट सेट में, और आपको उन चिन्हों पर सही का निशान लगाना है जो आप अपने साथ अपने स्कूल में ले जाते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए बेटा बैग, बी ए जी बैग, बैग क्या है तो बेटा आप सभी लोग जानते हैं बैग जो है सभी बच्चे विद्यालय लेकर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैग क्या आ जाएगा, बैग को हम क्या करेंगे, बैग के जो सामने वाला भाग था उसमें हम सही के निशान लगा देंगे बच्चों, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा बैग। नेक्स्ट आपको बेटा कैमरा, सी एम आर ए कैमरा, कैमरा का जो बेटा स्कूल में बच्चों के लिए जो है ले जाने के लिए जो है मना होता है, ठीक है, इसलिए हम जो है स्कूल में नहीं ले आते, इसका कोई काम नहीं है स्कूल में, इसलिए जो है कैमरा हम नहीं ले आ सकते विद्यालय में। तो इसको क्या करेंगे हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है, क्रॉस कर देंगे आप, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि आप इसको जो चीज़ें ले जाते हैं उसमें से आपको सही पता लगाना है, ठीक है। तो कैमरा आपको नहीं ले जाना है विद्यालय में, नहीं ले जाते हैं बच्चे, इसलिए इसको क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। डॉल है डी ओ डबल एल डॉल मीन गुड़िया, खिलौना है बेटा, खिलौना भी जो है स्कूल में नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है। बुक, बी डबल ओ के बुक मीन पुस्तक या किताब जो अनिवार्य रूप से आपको ले जाना है, ठीक है, पढ़ने के लिए विद्यालय में, बैग में आप जो है बुक कॉपी पेन पेंसिल कलर बॉक्स ये सारी चीजें ले आते हैं, ये से कहा जाएगा बेटा तो आप सही एग्जाम लगा देंगे, या तो हो जाएगा राइट, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या क्या है, लंच बॉक्स, लंच बॉक्स भी बेटा आपको अनिवार्य रूप से ले जाना होता है विद्यालय में, तो यह जो है आपका इससे भी हम जो है सही के निशान लगा देंगे। उसके बाद क्या है आपका सूटकेस, ठीक है, सूटकेस की कोई आवश्यकता नहीं विद्यालय में, ठीक है बेटा, सूटकेस जो होता है कैसे जो होता है
उसकी जो है विद्यालय में कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, प्राप्त कर देंगे, यहाँ के स्कूल में नहीं ले जाते हैं। सो नेक्स्ट पर दिया बॉटल, वाटर बॉटल, यहाँ पे आप वाटर बॉटल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आप जो है विद्यालय में अपने साथ ले आते हैं, ठीक है, ले जा सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, सही निशान लगा देंगे, ठीक है बच्चों। और लास्ट होता है आपका कलर बॉक्स, कलर बॉक्स, ठीक है, कलर बॉक्स भी जो है क्या करते हैं बेटा, इसको हम उसके साथ विद्यालय में ले आते हैं, स्कूल में ले जाते हैं। तो इसलिए इसमें भी क्या करेंगे, हम सही निशान लगा देंगे इस सामने वाले बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह जो है हमने उन चीज़ों को टिक किया है, सही निशान लगाया है, जो हम विद्यालय में या स्कूल में अपने साथ ले जाते हैं, ठीक बच्चों। तो ये जो था आपका गेट सेट था, इसे आप जो है कंप्लीट कर लेंगे। आपके बुक में बता दें जिन चीज़ों का हमने नाम लिखे हैं, अभी एक थिंग जो आठ वस्तुएं हैं, इन चीज़ों का जो है आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, हमने यहाँ पे नेम लिखा है। तो इस तरह से इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। और इस चैप्टर में जो भी आपको वर्ड मीनिंग जो लिखवाया गया है, ठीक है, उसे जो है आप अच्छी तरह से अपने कॉपी पे राइट कर लेंगे और उसे लर्न कर लेंगे बेटा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे आपका दिया है कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप दिया है, उसमें आपका दिया है ए चीज का कैसे आंसर, बी आपका स्टेट टू और फॉल्स। ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।